हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HBSC इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो इससे पहले मैंने पार्ट वन बनाया था, मे बी आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। तो आज मैं उसका पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका मैं आंसर आप बताते चलूँगा साथ साथ। तो इन क्वेश्चंस के मदद से आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी हेल्प होगा। जैसे आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको मान लीजिए कि सऊदी का इंटरव्यू देना है या फिर दुबई का इंटरव्यू देना है। तो मान लो आप जैसे टेक्नीशियन हो, अगर टेक्नीशियन हो, तो अभी हम लोग फ़िलहाल बेसिक क्वेश्चन आंसर का बात कर रहे हैं, जो कि चाहे टेक्नीशियन हो या फिर इंजीनियर हो तो सबसे पूछा जा सकता है। अब HVAC इंजीनियर में भी अब जैसे एक आपका आ जाता है साइट इंजीनियर आ जाता है, फिर आपका डिज़ाइन इंजीनियर आ जाता है। तो जैसे जैसे मैं आगे अगला नेक्स्ट पार्ट बनाते चलूँगा उसमें फिर ये सेग्रीगेट करते चलेंगे हम लोग। टेक्नीशियन के लिए फिर अलग बना देंगे, फिर इंजीनियर में साइट के लिए अलग, डिज़ाइन के लिए अलग। जैसे कोई भी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है इंस्टॉलेशन करने में, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेथड ऑफ स्टेटमेंट होता है या फिर ITP होता है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एक आपका मेथड ऑफ स्टेटमेंट होता है, दूसरा आपका ITP होता है, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, उसमें कैसे मटेरियल हैंडलिंग वगैरह करते हैं। तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए आज पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू कंट्रोल और बैलेंस द चिल्ड वाटर। अब जैसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि चिल्ड वाटर सिस्टम में चिलर का जो वाटर होता है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिक्वायरमेंट कम है, अगर मान लो आपका चिल्ड वाटर रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, तो उस केस में जैसे अगर कोई HU हमने लगाया है, कोई HU लगाया मान लो कि वो 1000 GPM का है, 1000 GPM का है, और किसी पॉइंट पे इतना हमें रिक्वायरमेंट नहीं है वाटर का, तो उस केस में हम किस तरीके से वाटर को बैलेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, जो वाल्व का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं DRV, और डबल रेगुलेटिंग वाल्व इसको बोलते हैं। डबल रेगुलेटिंग वाल्व के मदद से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं चिल्ड वाटर को। इसका मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा कैसे और कहाँ पे ये इंस्टॉल होता है। तो ये चिल्ड वाटर सिस्टम में जो HU से जो रिटर्न वाटर आता है उस रिटर्न लाइन पे इंस्टॉल हुआ रहता है। फिर डबल रेगुलेटिंग वाल्व हो गया, फिर एक आता है आपका PICV वाल्व। PICV वाल्व का फुल फॉर्म होता है आपका प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व, प्रेशर डिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व। अब PICV वाल्व में दो तरह का जैसे वाल्व हो जाता है, एक तो आपको कंट्रोलिंग करने के लिए, और एक जैसे बैलेंसिंग वाल्व और गेट वाल्व, दो अलग अलग वाल्व लगाते हैं। वैसे ही हम लोग PICV वाल्व लगाते हैं, दोनों जैसे कंबाइन करके ये एज ए फंक्शन जैसे कंट्रोल और रेगुलेट दोनों करता है ये PICV वाल्व। इसको हम लोग BMS से कंट्रोल कर देते हैं। BMS से कंट्रोल करने से क्या होता है कि आप BMS के थ्रू भी चिल वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये जैसे आपको दिख रहा है ये है डबल रेगुलेटिंग वाल्व DRV, डबल रेगुलेटिंग वाल्व में इसमें क्या होता है, एक इनलेट होगा एक आउटलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर यहाँ से इनलेट है, यहाँ से आउटलेट होता है, मतलब दो ओपनिंग होता है इसमें। टू वे वाल्व भी इसको बोल सकते हैं। थ्री वे वाल्व में जैसे एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, फिर एक ये आउटलेट हो गया, इस तरीके से होता है थ्री वे वाल्व में। ये थ्री वे वाल्व हो गया, इसको आप लोग DRV या फिर ऐसे बोल सकते हैं, फिर टू वे वाल्व भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये PICV वाल्व है, या फिर इसको डबल रेगुलेटिंग वाल्व भी बोलते हैं।
अगर HU या फिर FCU का कैपेसिटी कम है, छोटा है, पाइपलाइन अगर लेस देन 65 mm है तो हम लोग PICB का इस्तेमाल करते हैं। अगर पाइप साइज, अगर जैसे ये थ्रेडेड अगर पाइप है, 2 इंच से कम है पाइप, उस केस में हम लोग PICB वाल्व को लगाते हैं। और अगर पाइप साइज अगर 2 इंच 65 mm से अगर ज़्यादा है तो अगर वो फ्लैंज टाइप है हम लोग ये इस वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहाँ पे लगा होता है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक HU कॉइल का कनेक्शन दे रखा है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से चिल वाटर सप्लाई यहाँ से इन हो रहा है चिलर में, ठीक है, यहाँ से चिलर में वाटर हमारा इन हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक गेट वाल्व लगा हुआ है, गेट वाल्व लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, फिर यहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ है, फिर टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, स्ट्रेनर के आगे पीछे दोनों प्रेशर गेज लगा होता है ताकि स्ट्रेनर में अगर कोई भी कचरा वगैरह फंस जाता है तो प्रेशर, यहाँ पे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे कितना प्रेशर, अगर अगर यहाँ पे 110 PSI प्रेशर मिल रहा है, यहाँ पे प्रेशर अगर डाउन हो जाता है 100 PSI तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इस स्ट्रेनर को चेक करना है और इसको सफाई सफाई करना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे ड्रेन वाल्व हो गया, इन केस ऑफ मेंटेनेंस यहाँ से हम लोग पानी निकाल देते हैं, गेट वाल्व बंद करके इसका मेंटेनेंस जब करना होगा। तो फिर वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाल्व लगा हुआ है ये यही आपका WPICB वाल्व, जो मोटर ऑपरेटेड ग्लोब वाल्व है, जिसको ग्लोब वाल्व भी बोल सकते हैं। मोटर PICB वाल्व, प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व, जो कि इसके ऊपर एक एक्चुएटर लगा होता है और वो एक्चुएटर इसके ऊपर जैसे एक्चुएटर लगा हुआ है, और ये एक्चुएटर क्या होता है कि BMS से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से आप चिल वाटर के रिटर्न लाइन पे DRB और PICB वाल्व को लगा के चिल वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको बैलेंस कर सकते हैं कितना रिक्वायरमेंट है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू कंट्रोल द नॉइज और वाइब्रेशन इन द डक्ट। डक्टिंग के अंदर वाइब्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। डक्टिंग के अंदर वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ये जो यूज करते हैं, जैसे हम लोग कैनवास कनेक्शन यूज करते हैं, कैनवास कनेक्शन यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कोई मशीन है, मान लीजिए ये आपका HU लगा हुआ, ठीक है। अब HU का यहाँ पे माउथ होता है, अब यहाँ से हमारा डक्टिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से डक्टिंग स्टार्ट हो रहा है। अब डक्टिंग स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक कपड़े का कनेक्शन लगाते हैं जिसको हम लोग कैनवास कनेक्शन बोलते हैं, जिससे कि HU में जब HU चलेगा तो उसमें दो तरह का जैसे मोटर होता है, मोटर के चलने में से वाइब्रेशन होगा मशीन के अंदर, ठीक है, मशीन के अंदर। तो उस वाइब्रेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि वो वाइब्रेशन आपका यहाँ डक्ट में ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है, वाइब्रेशन को डक्ट में ट्रांसफ़र ना होने से बचने के लिए हम लोग कैनवास कनेक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि कैनवास कपड़े का होता है। आपने बहुत जगह आपने देखा होगा, ये वाइट कलर का भी कपड़ा होता है, वाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का कपड़ा होता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एक एक्सेल फैन लगा हुआ है, और ये फैन का यहाँ माउथ कनेक्शन है, फिर यहाँ से मेन डक्ट चल रहा है, ये यहाँ से ये भी मेन डक्ट चल रहा है, और ये दोनों डक्ट के बीच में यहाँ पे कैनवास कनेक्शन लगा हुआ है, कैनवास कनेक्शन लगा हुआ है, ताकि जब फैन चलेगा तो इसका वाइब्रेशन यहाँ इसमें ट्रांसफ़र ना हो। अब फैन का वाइब्रेशन डक्ट में ट्रांसफ़र ना हो, इसको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कैनवास कनेक्शन। और फिर फैन का जो वाइब्रेशन है सीलिंग में या फिर जो छत में, हम लोग क्या वाइब्रेशन आइसोलेटर लगाते हैं। तो क्या क्या चीज़ से हम लोग क्या क्या चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, कैनवास कैनवास कनेक्शन होता है। दूसरा आप लोग वाइब्रेशन आइसोलेटर होता है, वाइब्रेशन आइसोलेटर HU टू सीलिंग में हो गया जैसे, ठीक है। फिर आप ये तो हो गया वाइब्रेशन को रोकने के लिए, वाइब्रेशन को डक्ट में रोकने के लिए कैनवास कनेक्शन, वाइब्रेशन को सीलिंग में अगर होने से बचाना है तो वाइब्रेशन आइसोलेटर लगाते हैं। और फिर एक और यहाँ पे टर्म है कि नॉइज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर ऐसे भी देख लीजिए, जैसे कि ये मैंने बताया एक HU लगा हुआ है यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे एक एचयू लगा हुआ है, यहाँ से आपका मेन डक्ट चल रहा है, मेन डक्ट चल रहा है, डक्ट के ऊपर नाइट्रिल लवर इंसुलेशन हो रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो माउथ कनेक्शन और डक्ट के बीच में एक कनेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो कनेक्शन दिख रहा है आपको यही है आपका कनेक्शन, ठीक है। अब नॉइज को कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है नॉइज को कंट्रोल करने के लिए डक्ट के अंदर हम लोग लाइनिंग या फिर एकोस्टिक करते हैं। जैसे अब ये डक्ट आपको दिख रहा है, डक्ट के अंदर क्या हुआ, एकोस्टिक हो रखा है, या फिर इंसुलेशन का बोर्ड आता है, वो बोर्ड को हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं अप टू 10 फीट से लेके 10 फीट से लेके 15 फीट तक करते हैं, वो एज पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में कितना दिया हुआ है, जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ से डक्ट स्टार्ट हो रहा है मेन डक्ट, जैसे यहाँ से मेन डक्ट स्टार्ट हो रहा है मेरा, अब यहाँ से लेके 10 से 15 फीट तक हम लोग 10 से 15 फीट तक डक्ट के अंदर हम लोग एकोस्टिक या फिर लाइनिंग कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है मैं बताता हूँ। तो इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, जैसे ये ग्लास वूल लगा हुआ है डक्ट के अंदर, ये जैसे यहाँ पे डक्ट डक्ट है, डक्ट के ऊपर इंसुलेशन इसने किया हुआ है, नाइट्राइल रबर इंसुलेशन है विथ एल्युमिनियम फॉयल, और इसके अंदर ग्लास वूल है, ग्लास वूल से जैसे लाइनिंग किया हुआ है। तो एक और नॉइज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं या फिर एकोस्टिक करते हैं, ठीक है। आप कैसे करते हैं एकोस्टिक, तो मान लीजिए कि ये डक्ट है आपका, मान लीजिए ये डक्ट है, डक्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एक लेयर डालते हैं ग्लास वूल का, ये जो ग्लास वूल आपको दिख रहा है तो ये खुले में मिलता है, ग्लास वूल का बोर्ड भी मिलता है, और ऐसे नॉर्मल ग्लास वूल जो रुई की तरह होता है, उस ग्लास वूल को हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे चारों तरफ डक्ट में लगाते हैं। ये ग्लास वूल हो गया, अब ग्लास वूल के ऊपर हम लोग फिर क्या करते हैं कि एक टिश्यू पेपर आता है, फिर टिश्यू पेपर हम लोग ऐसे लगाते हैं, ग्लास वूल के ऊपर फिर एक ऐसे एक लेयर लगता है, टिश्यू पेपर लगता है, ठीक है। अब टिश्यू पेपर लग गया, टिश्यू पेपर लगने के बाद एक और लेयर हम लोग इसमें लगाते हैं, जो कि परफोरेटेड शीट होता है, एल्युमिनियम का परफोरेटेड शीट होता है, गूगल पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मिला आपको, एक तो ग्लास वूल हो गया, ग्लास वूल के बाद फिर आपका आ जाता है टिश्यू पेपर। आप लोगों में से कुछ लोग साइट पे काम किए होंगे तो उनको पता होगा, टिश्यू पेपर के बाद यहाँ पे एल्युमिनियम का एल्युमिनियम परफोरेटेड सीट होता है, और उस सीट को फिर हम लोग क्या करते हैं कि नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे यहाँ यहाँ पे एक नट डालेंगे, यहाँ पे अब बोल्ट डायरेक्टली यहाँ नट बोल्ट से इसको टाइट कर देते हैं चारों तरफ, वैसे ही चारों तरफ आपका इसे नट बोल्ट से ये टाइट हो जाएगा। और ये कितना करते हैं, 10 फीट से लेके 15 फीट तक एज पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। ऐसा करने से नॉइज़ को कंट्रोल किया जाता है, और वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस मशीन से डक्ट में वाइब्रेशन ट्रांसफ़र ना हो, कैनवास कनेक्शन का यूज करते हैं, और फिर वाइब्रेशन आपका मशीन से या फिर एक्सेल फैन जो भी हो उससे सीलिंग में ट्रांसफ़र ना हो, ताकि ये यहाँ पे जो फास्टनर या फिर एंकर हिल्टी वगैरह का जो लगा हुआ है वो टाइम के साथ वहाँ से निकले ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग वाइब्रेशन आइसोलेटर का यूज करते हैं। तो ये फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिलर इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर क्या होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आप लोग, मान लीजिए कि एक चिलर है यहाँ पे, एवोपरेटर कॉयल है, तो यहाँ से जैसे इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, अब कॉइल के अंदर ऐसे ऐसे आपका कॉइल ट्यूब होगा, तो इनलेट टेम्परेचर क्या होगा और आउटलेट टेम्परेचर क्या होगा। तो
चिलर से जो टेम्परेचर बाहर की तरफ निकलता है कूल होके, वो कितना होता है, 6 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग बोलते हैं कि सप्लाई वाटर हो सकता है। ठीक है, सप्लाई वाटर। और जो रिटर्न आएगा आपका वो कितना होगा, 12 डिग्री सेल्सियस, जो कि चिलर में, चिलर का रिटर्न वाटर होगा, रिटर्न वाटर। तो हमेशा ये जैसे 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, 6 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चिलर का इनलेट आउटलेट टेम्परेचर, तो इनलेट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, आउटलेट टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्राइमरी पंप्स एंड सेकेंडरी पंप्स। तो प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप हम लोग किस में यूज करते हैं, जैसे फील्ड वाटर, फील्ड वाटर सिस्टम में यूज करते हैं। तो एक डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे दो चिलर लगा हुआ है, यहाँ पे चिलर लगा हुआ है, एक चिलर यहाँ पे और दूसरा चिलर ये लगा हुआ है। ठीक है, अब चिलर का जो सप्लाई है, सप्लाई पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे एक नॉर्मल डायग्राम है, एक फ्लो मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक मोटराइज वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ से वाटर लेके जा रहे हैं। तो चिलर का जो सप्लाई होता है, चिलर से जो वाटर का सप्लाई होता है, जो कि हम लोग बिल्डिंग में लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, बिल्डिंग में लेके जाते हैं, वो कौन से पंप से लेके जाते हैं हम लोग, सेकेंडरी पंप से। अब सेकेंडरी पंप यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे तीन मान लीजिए कि, तो वर्किंग होगा, एक स्टैंड बाई होगा इस तरीके से। तो सेकेंडरी पंप से जो वाटर हम कहाँ लेके जाते हैं, बिल्डिंग में लेके जाते हैं, जो भी लोड होगा हमारा एचयू एफसीयू में। और जो एचयू और एफसीयू से रिटर्न वाटर आता है, जो बिल्डिंग से रिटर्न होके आता है वाटर, वो कहाँ जाता है, प्राइमरी पंप उसको सक करता है। तो बिल्डिंग में जो भी वाटर रिटर्न है एचयू का, उसको प्राइमरी पंप सक करता है, फिर सक करने के बाद चिलर में भेज देता है कूलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे रिटर्न वाटर फ्रॉम बिल्डिंग आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ से क्या कर रही है, सप्लाई वाटर, सप्लाई वाटर टू एच यू, और आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्डिंग में एच यू एफ सी, और फिर बिल्डिंग में यहाँ से सप्लाई कर रहा है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। प्राइमरी पंप, प्राइमरी पंप क्या करता है, वाटर को सक करता है बिल्डिंग से या फिर एचयू से, और फिर उस वाटर को चिलर को देता है। और फिर सेकेंडरी पंप क्या करता है कि जो जो चिल्ड वाटर सप्लाई होता है, उस वाटर को एचयू और फिर बिल्डिंग को सप्लाई करता है। आगे फिर इसके बारे में, चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जैसे प्राइमरी चिल्ड वाटर पंप कनेक्शन देख लेते हैं। अब जैसे ये प्राइमरी पंप हो गया, अब ये सेकेंडरी पंप हो गया। तो प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप के आगे पीछे यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, वाल्व का कनेक्शन, वो क्या क्या हम लोग कौन कौन सा वाल्व यूज करते हैं कंट्रोलिंग के लिए और बैलेंसिंग के लिए, तो उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे प्राइमरी चिल्ड वाटर पंप का कनेक्शन डिटेल दिया हुआ है। अब मान लो यहाँ से चिल वाटर रिटर्न आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम फ्रॉम एच यू और बिल्डिंग। ठीक है, चिल वाटर रिटर्न अब ये जा का आ रहा है टू चिलर को जा रहा है। अब इसमें आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, बटरफ्लाई वाल्व के बाद एक प्रेशर गेज लगा हुआ है यहाँ पे, अब प्रेशर गेज लगा हुआ है, फिर एक स्ट्रेनर है, फिर यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रेनर के आगे पीछे यहाँ प्रेशर गेज लगा हुआ था, ताकि प्रेशर डिफरेंस को पता कर सके कि कोई प्रेशर डिफरेंस या फिर पानी का प्रेशर डाउन तो नहीं हो गया स्ट्रेनर से होके जाने के बाद। स्ट्रेनर का काम क्या होता है कि जो भी गंदगी पानी में, कचरा वगैरह, उसको छान लेता है। तो स्ट्रेनर के इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, तो इससे पता चल रहा है कि वाटर इधर से आ रहा है,
अगर मान लीजिए स्ट्रेनर अगर ऐसे लगा होता, मतलब वाटर इधर से इनलेट है और ये आउटलेट है, सेम वैसे ही स्ट्रेनर अभी ऐसे लगा हुआ है, तो ये इनलेट है, ये आउटलेट है, तो ये पहचानने के लिए मैंने बता दिया कि ड्राइंग में जब भी आप देखें तो पता चल जाए कि अब चिल वाटर किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन दिखेगा आपको, फिर यहाँ पे चिल वाटर पंप है, फिर फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, और ये यहाँ पे एक ड्रेन वाटर कनेक्शन होता है 20 mm का। गेट बल्ब लगा देते हैं हम लोग कि जब भी इस लाइन का मेंटेनेंस वगैरह करना है तो यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व हम बंद कर देंगे, यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व बंद कर देंगे, और इस जैसे मोटर को ओपन करना है तो इस लाइन में यहाँ पे पानी नहीं होगा तो इसको हम लोग मेंटेनेंस के लिए खोल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक DPT लगा होता है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, ठीक है, जो कि BMS से कनेक्शन होता है, BMS से कनेक्शन होता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। तो अब ये पंप के सक्शन और डिस्चार्ज पे लगाते हैं हम लोग, ताकि पंप में कोई फॉल्ट हो तो पता चल जाए, जैसे पंप प्रॉपर डिस्चार्ज कर रहा है वाटर। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 2000 GPM आ रहा है, तो ये 2000 GPM सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस प्रेशर से सप्लाई कर रहा है, तो वो प्रेशर डिफरेंस को हम लोग BMS के थ्रू हम लोग डिजिटली हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक प्रेशर गेज लगाते हैं हम लोग, या फ्लेक्सिबल कनेक्शन के बाद प्रेशर गेज एक लगा हुआ है। फिर हम लोग एक चेक वाल्व लगाते हैं, स्विंग चेक वाल्व। अब चेक वाल्व जैसे पंप वाटर डिस्चार्ज करेगा, तो डिस्चार्ज होने के बाद बैक फ्लो ना हो, बैक फ्लो को रोकने के लिए हम लोग स्विंग चेक वाल्व लगाते हैं, या फिर इसको आप लोग नॉन रिटर्निंग वाल्व के नाम से भी जानते होंगे, NRV के नाम से। फिर उसके बाद एक बैलेंसिंग वाल्व लगाते हैं। बैलेंसिंग वाल्व क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है मैनुअली, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे फर्स्ट जब कमिश्निंग होता है, कमिश्निंग करते टाइम अब जैसे 2000 GPM इससे फ्लो हो रहा है, तो इस बैलेंसिंग वाल्व को हम लोग 2000 GPM पे सेट कर देते हैं, ताकि इस वाल्व से होके 2000 GPM ही सप्लाई हो। ये मैनुअल होता है, मोटराइज नहीं होता है। मोटराइज होने के लिए इसके ऊपर बैलेंसिंग वाल्व जो होता है उसके ऊपर एक मोटर लगा हुआ होता है, एक्चुएटर होता है, जो कि अब BMS से कनेक्टेड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रोटेट करता है, और कितना सप्लाई करना है वो फिर ऑनलाइन बाई BMS हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर आगे एक बटरफ्लाई वाल्व आ गया, ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी पंप कनेक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंडरी पंप कनेक्शन। अब सेकेंडरी चिल वाटर पंप कनेक्शन, अब से चिल वाटर सप्लाई है यहाँ पे, और ये फिर चिल वाटर सप्लाई है। अब ये कहाँ से आ रहा है, अब ये फ्रॉम चिलर, अब चिलर से आ रहा है। ये प्राइमरी पंप क्या किया कि डिस्चार्ज करके चिलर को दे दिया। अब चिलर पानी को ठंडा करने के बाद इसको दे रहा है, अब वो वाटर जा रहा है सेकेंडरी पंप में। अब सेकेंडरी पंप में फिर क्या, एक बटरफ्लाई बल्ब लगा हुआ है, फिर वैसे ही प्रेशर गेज, स्ट्रेनर प्रेशर गेज, एक ड्रेन कनेक्शन यहाँ होगा, फ्लेक्सिबल कनेक्शन, फिर DPT और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद एक बाल्ब, यहाँ तक का कनेक्शन एकदम सेम होता है, प्राइमरी कनेक्शन और सेकेंडरी कनेक्शन का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये एक बाईपास लाइन भी दिख रहा होगा जिस पे बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, एक यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, और ये एक बैलेंसिंग वाल्व है जो कि मोटराइज वाल्व है, ठीक है। बैलेंसिंग वाल्व एक मैनुअली है, और फिर एक बैलेंसिंग वाल्व, ये भी वाटर को बैलेंस करने के लिए मोटराइज वाल्व है, जिसके ऊपर एक्चुएटर होता है। इस वाल्व के ऊपर क्या होता है, जैसे एक्चुएटर होता है, ठीक है, एक्चुएटर होता है, और वो एक्चुएटर फिर किससे कनेक्शन होता है आपका, BMS के से कनेक्टेड होता है। तो उसको आप लोग बाई कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना GPM सप्लाई चाहिए, कितना नहीं चाहिए। बैलेंसिंग वाल्व ये तो मैनुअली आपको एट द टाइम ऑफ कमिश्निंग इसको सेट करना होता है। फिर मान लीजिए कि ये मोटराइज वाल्व या फिर बैलेंसिंग वाल्व, अब सप्लाई वाटर है यहाँ से, कभी इसको मेंटेनेंस करना हो तो क्या करते हैं कि इस बटरफ्लाई वाल्व को दोनों को हम लोग बंद कर देते हैं,
और इसके बीच में जो पानी है, इसलिए यहाँ पे एक ड्रेन कनेक्शन दिया हुआ है, इसके पानी निकाल लेंगे, फिर इसको हम लोग खोल के मेंटेनेंस कर सकते हैं। तब तक वाटर जो है यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए हम लोग यहाँ से खोल के इसको ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है तब, और फिर ये बाईपास लाइन होता है, और ये गेट वाल्व हम लोग उस टाइम बटरफ्लाई वाल्व खोल देंगे तो वाटर यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। तो एक पंप नहीं होता है, जैसे कि एक डाउन हो गया तो फिर बंद हो जाएगा, नॉर्मली 2 से 3 पंप लगाते हैं, जैसे एक वर्किंग हो गया, या फिर एक स्टैंड बाई हो गया, या फिर दो वर्किंग हो गया एक स्टैंड बाई हो गया, या फिर ऐसे 3 वर्किंग एक स्टैंड बाई, इस तरीके से पंप लगाते हैं। ऐसे चीलर भी, जैसे 2 वर्किंग एक स्टैंड बाई, चीलर भी ऐसे ही लगाया जाता है, एक हमेशा स्टैंड बाई पे होगा। 2 चीलर लगा हुआ है तो एक वर्किंग होगा और एक स्टैंड बाई होगा, ताकि एक चीलर ख़राब हो तो एक से हम लोग 100% लोड सप्लाई कर सकें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।